क्रिसमें प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, आज आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से मैं आपके साथ प्रभु का वचन बांटना चाहता हूं। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 15 से 26 पर। आज के सुसमाचार में प्रभु एक अपदूतग्रस्त लड़के को चंगा करते हैं, और जब अपदूतग्रस्त लड़के से अपदूत निकल जाता है तो वह लड़का बोलने लगता है क्योंकि वह गूंगा था। और ऐसे में कुछ लोग प्रभु पर आरोप लगाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त तो अपदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। और यहाँ पर प्रभु जब उनके विचार जान लेते हैं तो उनसे क्या कहते हैं, यह कैसे संभव है? यदि मैं अपदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ, फिर तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से निकालते हैं? क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यहाँ हमें उन दिनों की परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। हम जानते हैं कि उस समय लोगों का ये विश्वास था कि हर एक बीमारी बुरी आत्माओं के द्वारा होती है। वहाँ के लोग कम से कम 33 ऐसी बीमारियों को जानते थे जो किसी न किसी बुरी आत्मा के कारण होती थी, या फिर वो उसे बुरी आत्माओं के साथ जोड़ते थे। और ऐसे में जब प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे प्रश्न करते हैं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से अपदूतों को निकालते हैं, प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं? वहाँ और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बुरी आत्माओं को निकालते थे या लोगों का इलाज करते थे। और फिर प्रभु उनसे कहते हैं, यदि तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से बुरी आत्मा को निकालता हूँ, तो इसका अभिप्राय यह है कि शैतान के राज में फूट पड़ चुकी है, अब वो उजड़ जाएगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु जानते थे कि वो ईश के संदेश के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के हाथ से रोगियों को चंगा करते थे, अपदूतों को निकालते थे। और यही बात वो उन्हें समझाना चाहते हैं कि उनके कार्य ईश्वर की ओर से हैं और वो ईश्वर का कार्य करते हैं। लेकिन जब ये अपदूतग्रस्त लोगों से अपदूत निकल जाते हैं, फिर उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? प्रभु यीशु क्रिस्त हमें यहाँ एक और बात सिखाना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति से अपदूत निकल जाता है तो अब उसका जो जीवन है, उसका जो हृदय है, उसकी जो आत्मा है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है। और यदि उस आत्मा में वो ईश वचन नहीं भरता है, प्रभु को नहीं भरता है, अच्छे कार्यों को नहीं भरता है, तो फिर से शैतान उसमें आ सकता है। और ये बहुत व्यावहारिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर या उसकी कार्यशाला होती है। और यदि हम ईश वचन से, अच्छी बातों से अपने जीवन को नहीं भरेंगे, तो कहीं ना कहीं से फिर से उसमें बुराई आ जाएगी। और इसलिए आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छाइयों से भरें, अपने जीवन में प्रभु वचन को लागू करें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में होगा और उसमें शैतान प्रवेश नहीं करेगा, उसमें बुराई प्रवेश नहीं करेगी। यदि प्रभु यीशु क्रिस्त के इन वचनों को हम समझते हैं तो हम हमेशा अच्छाई की ओर रहेंगे, और अपदूत को, बुरी आत्मा को कभी भी हम ये मौका नहीं देंगे कि वो हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु का वचन हम सुन रहे हैं तो प्रभु हमारी आत्माओं को शुद्ध कर दे और अपने वचन से इसे भर दे, जिससे हमारे जीवन में प्रभु की आत्मा का वास हो और हम हमेशा उसी प्रभु के प्रिय बने रहें। आमीन।